उस देश का मेहमान बनने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते जो कहता है अतिथि देवो भव। दूर यूरोप से देश नीदरलैंड्स की क्रिकेट टीम ने इस ट्वीट के जरिए खुद के वनडे वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई करने की घोषणा की। नीदरलैंड्स ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हराकर भारत का टिकट कटाया। क्वालिफायर्स के सुपर सिक्स का ये मैच बहुत रोमांचक रहा। नीदरलैंड्स ने बास दलीदे की बेहतरीन परफॉर्मेंस के दम पर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। लीदी ने पहले तो गेंद से 52 रन देकर 5 विकेट लिए और फिर धुआंधार सेंचुरी भी जड़ी। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट खोकर 277 रन बनाए थे। क्वीन स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो में हुए इस मैच में दलीदे ने 92 गेंदों पर 123 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत नीदरलैंड्स ने इस मैच को 43 गेंदें बाकी रहते ही अपने नाम कर लिया। नीदरलैंड्स ने 6 विकेट पर 278 रन बनाकर मैच जीता। इसके साथ ही वो 2011 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में खेलते दिखेंगे। नीदरलैंड्स ने पहली बार 1996 में वर्ल्ड कप खेला था। दलीदे के कमाल से पहले स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करता दिख रहा था, लेकिन फिर दलीदे ने 7 चौके और 5 छक्के जड़ते हुए उन्हें क्वालिफिकेशन से दूर कर दिया। स्कॉटलैंड के लिए ब्रेंडन मैकमुलन ने 106 जबकि कैप्टन रिची बैरिंगटन ने 64 रन बनाए थे। अब क्वालिफिकेशन के फाइनल में नीदरलैंड्स को श्रीलंका का सामना करना है। दोनों ही टीम्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब ये टीम्स वर्ल्ड कप सुपर लीग में टॉप 8 में रही टीम्स के साथ वर्ल्ड कप खेलेंगी। इससे पहले श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को हराकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के सुपर सिक्स मुकाबले में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया था। इसी मैदान में हुए इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बोलिंग की थी। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 165 रन पर सिमट गई। श्रीलंका के लिए महेश थिक्षणा ने 4, दिलशान मधुशंका ने 3, मतीशा पतेराना ने 2 जबकि दसुन शनका ने 1 विकेट लिया, जिसके बाद श्रीलंका ने पथुम निसंका की सेंचुरी के दम पर मैच जीत लिया। निसंका ने 101 रन की नाबाद पारी खेली थी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।